देवरिया से, जहां जिले की सदर सीट के भारतीय जनता पार्टी के विधायक जनमेजय सिंह का गुरुवार देर रात लखनऊ में हार्ट अटैक से निधन हो गया। वह 75 वर्ष के थे। उत्तर प्रदेश की 16वीं और 17वीं विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने दो बार भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में देवरिया निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। देवरिया जिले के सदर विधानसभा से थे विधायक। आपको दादी की गुरुवार की रात उनकी तबियत खराब होने पर सबसे पहले सिविल अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद रात 10 बजे हालात बिगड़ी तो लोहिया संस्था रेफर कर दिया गया। यहां मेडिसिन के डॉक्टरों ने देखकर कार्डियोलॉजी विभाग रेफर किया। संस्था के प्रवक्ता और एमएस डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक पेसमेकर लगाने के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें हार्ट अटैक आया था। इससे पहले सिविल अस्पताल में उनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई थी। देवरिया जिले के सदर सीट से भाजपा के विधायक जनमेजय सिंह का जन्म 7 जुलाई 1945 को उत्तर प्रदेश के देवरिया में देवगांव गांव में त्रिलोकनाथ सिंह के घर हुआ था। उन्होंने गुजराती देवी के साथ शादी की थी और उनके 3 बेटे और 4 बेटियां हैं। उत्तर प्रदेश की 16वीं और 17वीं विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने दो बार भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में देवरिया निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। आपको बता दें कि वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश चुनाव की विधानसभा में बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रमोद सिंह को 23,295 मतों के अंतर से हराया था। वर्ष 2017 में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जेपी जायसवाल को 46,226 मतों के अंतर से हराया था। 2002 में मध्य अवधि चुनाव में पहली बार बहुजन समाजवादी पार्टी से गौरी बाजार विधानसभा से चुनाव लड़े और विधायक बने। 2006 में भाजपा में शामिल हुए और 2007 में भाजपा से विधायक प्रत्याशी रहे, जिसमें हार का सामना करना पड़ा। इनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है।